बैठे बैठे मेरी आंख लग गई और मैंने सपने में देखा कि ये जो बच्चा है ये घड़ी के नीचे आ गया। फिर इसकी माँ चिल्लाई तो भीड़ जमा हो गई, वो मेरे पीछे मुझे मारने भागे और भीड़ के बीच में से रणधीर आया और उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। भीड़? हाँ। कौन सी भीड़ अर्जुन? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अर्जुन तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। अब तो तुमने खुद देख लिया मैं कैसे जख्मी हो गया। अपने आप अब तो यकीन हुआ कि रणधीर मुझे मेरे सपने में आकर मार सकता है, और अगर तुम मुझे नहीं जगाते तो वो मुझे जान से मार देता। अर्जुन, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, और जब मुझे विश्वास नहीं होता तो पुलिस कैसे विश्वास करेगी तुम्हारी बात का। विक्रम, जब शर्मिला ने मुझे बताया था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब तो ये सब खुद मेरे साथ हो रहा है। लेकिन इस अनहोनी बात पर विश्वास कौन करेगा? इसीलिए तो ये लड़ाई मुझे खुद लड़नी पड़ेगी, वरना शर्मिला की तरह वो मुझे भी जान से मार देगा। तो क्या तुम रणधीर को मारोगे? इस तरह तो तुम और भी पुलिस के चंगुल में फंस जाओगे। मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा। मैं उसे यहां नहीं मारूंगा, मैं उसे अपने दिमाग के अंदर मारूंगा, अपने सपने में। रणधीर को मैं अपने सपने में मारूंगा। सपने में? वो कैसे? विक्रम, मेरी मदद करोगे? हाँ बोलो। जितनी भी अलार्म क्लॉक्स मिल सके मेरे पास ले आओ। अलार्म क्लॉक्स? सब घड़ियों पर टाइम सही मिला और सबका अलार्म 8:03 पर सेट कर दो। लेकिन ये 8:03 का क्या चक्कर है? अलार्म क्लॉक्स किस लिए होती है विक्रम? सोते हुए जगाने के लिए। मैं भी इनका यही इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, इतनी सारी घड़ियों का मतलब क्या? अगर मुझे एक घड़ी नहीं उठा पाई तो दूसरी उठाएगी, अगर दूसरी उठा नहीं पाई तो तीसरी उठाएगी, और तीसरी नहीं तो चौथी। लेकिन 8:03 पर मेरा उठना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरी समझ में तो अब भी कुछ नहीं आया। ये क्या? ये तो नींद का इंजेक्शन, इसके लगते ही आपके सो जाते हैं। That's right. ठीक 8 बजे मैं इस दवा का इंजेक्शन लूंगा और कुछ ही सेकंड्स के बाद मुझे नींद आ जाएगी। अगले 3 मिनट तक मैं सपना देखूंगा और उसमें रणधीर मुझ पर हमला करेगा, और ठीक 8:03 पर ये सारी घड़ियां बज उठेंगी। लेकिन इन 3 मिनटों में रणधीर ने तुम्हें मार दिया तो इतना रिस्क तो मुझे लेना पड़ेगा विक्रम। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? क्यों जानबूझकर अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो? ये जानने के लिए कि वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए रणधीर मेरे सपनों में आकर मुझ पर हमला करता है। कुछ तो है, कुछ तो होगा। लेकिन तुम कैसे पता लगाओगे? मेरे जरिए? हाँ विक्रम, मैं चाहता हूँ कि तुम रणधीर के घर जाओ और किसी भी तरीके से ये पता लगाओ
कि 8 बजे से लेकर 8:03 तक वहां क्या होता है, वो क्या करता है। मैं तुम्हारे जादू का एक शो रखना चाहता हूं, जहां दुनिया के बड़े बड़े लोग और अखबार वालों को बुलाकर ये दिखाना चाहता हूं कि हमारे भारत के जादूगर भी किसी से कम नहीं है। कब रखना चाहते हो? बस 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर? नहीं, ये शो मैं नहीं कर सकूंगा। तुम्हें 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, साथ ही साथ बेहिसाब पब्लिसिटी। मैंने कहा ना, मैं ये शो नहीं कर सकूंगा, कम से कम 2 महीने तक बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। शाम आप। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। रुपया तो मैं कभी भी कमा सकता हूं, पहले मुझे डॉक्टर अर्जुन को मजा चखाना है। माफ कीजिएगा सर, मेरे ख्याल से यह शो आपको कर लेना चाहिए। करना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन नहीं कर सकता। मेरी जादुई शक्ति कम होती जा रही है, तुम तो अच्छी तरह जानते हो। मुझे अपनी जादुई शक्ति फिर से हासिल करने के लिए हर 3 महीने बाद एक आदमी की बलि देनी पड़ती है। इस बार मैंने अपनी शक्ति का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल किया है। पहले उस रिपोर्टर को मारकर, अब डॉक्टर अर्जुन के सपनों की वजह से मैं बहुत कमजोर हो गया। मगर वक्त से पहले बलि देकर आप अपनी शक्ति बढ़ा नहीं सकते? नहीं। फिर सर आप डॉक्टर अर्जुन को मारेंगे कैसे? देखो, मेरी शक्ति कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी मेरे अंदर इतनी शक्ति बाकी है कि उस डॉक्टर के दिमाग में घुस सकूं। इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर वो जरा सा भी सोया तो मैं हमेशा के लिए सोया। हथकड़ी में बांधकर इस पानी में फेंकूंगा। सिर्फ 3 मिनट में वो आदमी अपने आप को आजाद करके पानी के बाहर निकल आएगा, और वो आदमी है डॉक्टर अर्जुन। मुझे फेंकना नहीं आता। आइए डॉक्टर, पानी में नहीं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आइए आइए आइए। पानी में नहीं जाऊंगा। अरे आइए ना, पानी में चलो। कैसे हुई मुझे मारने की? एक दो से पानी में नहीं, 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 प्लीज, प्लीज। बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे, और कोशिश करो, हथकड़ी खोल कर बाहर निकलने की कोशिश करो।
मुझे डुबा नहीं सका, तू कामयाब नहीं हुआ। अब देख मैं तेरा क्या करता हूं, क्या करता हूं मैं तेरा। थोड़ी देर और नहीं उठता, आज मैंने उसे खत्म कर दिया होता। मार तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी डॉक्टर अर्जुन, अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने क्या देखा विक्रम? देखा कि रणदीप जब अपने नौकर से बातें कर रहा था तब अचानक अजीब अजीब आवाज आने लगी और फिर मैंने देखा कि कहीं से प्रेत आत्मा आ गई और रणदीप उनके साथ बातें करने लग गया। अच्छा, और जब वो अपने जादू में लीन था तब अचानक अचानक उसका चेहरा अपने आप जख्मी हो गया। आप जख्मी नहीं हुआ था विक्रम, उसे मैंने मारा था। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे सपने में सिर्फ वो मुझे नहीं मार सकता बल्कि मैं भी उसे मार सकता हूं। मुझे रास्ता मिल गया विक्रम, और मैं उससे मुकाबला करूंगा। डॉक्टर अर्जुन, ये सब क्या है? क्या उसी? क्या तुम अपने ही घर में आग लगाना चाहते हो? केरोसिन, ये बार बार केरोसिन क्यों कह रहे हो? केरोसिन। अर्जुन, ये सब क्या है? यही तो मैं इनसे कब से पूछ रहा हूं, लेकिन ये है कि बताते ही नहीं, बस केरोसिन की रट लगाए हुए हैं। मेरे ख्याल से तो ये सच में पागल हो गए हैं। गया तुम्हें अर्जुन? केरोसिन, ये केरोसिन की रट बंद करो और बताओ कि क्या चक्कर है। हम जो दिन भर में देखते हैं या करते हैं उसी का सपना हमें रात में आता है। हाँ, ये बात तो सच है, इसलिए मैंने सुबह से अपने आप को केरोसिन कैंस में घेर रखा है ताकि रात को मैं केरोसिन का सपना देखूं, लेकिन आज रात का सपना मेरा होगा, बंधीर का नहीं। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम जैसा चाह रहे हो वैसा ही होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं विक्रम, आज मेरी और रणधीर की लड़ाई होगी मेरे दिमाग में, मेरे सपने में। मैं डॉक्टर अर्जुन बोल रहा हूं। रणधीर, मैं सोने जा रहा हूं, सपने में तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसकी इतनी हिम्मत के मुझे चैलेंज कर रहा है। आज रात अगर तू सोया ये तेरी आखिरी नींद होगी। लेकिन सर, आपकी जादुई शक्ति कम हो गई है, इसलिए बेहतर होगा अगर आप 2 महीने इंतजार कर ले। नहीं, आपकी मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं उसे खत्म कर सकूं। आज मैं उसे मार कर देता हूं, जैसे आपकी मर्जी।
मेरे पास आओ, मुझे अपनी शक्ति दो, मेरे पास आओ। मुझे आज ही उसको मानना है। मैंने हमेशा वक्त पर तुम्हें बलि दी है। मुझे अपनी शक्ति दो, मुझे शक्ति दो, मुझे अर्जुन के सामने में पहुंचा दो, उसे मारने में मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मुझे अर्जुन के सपनों में पहुंचा दो। अर्जुन, 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 कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ रणधीर। देखिए, मैं यहाँ कैसे आ गया? मेरा सपना कैसे बदल गया? ये मेरा सपना है। इस सपने में वही होगा जो मैं चाहूँ। अर्जुन, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ रणधीर। मैं कहां गया? बदबू कैसी है? डॉक्टर अर्जुन कहां चला गया? डॉक्टर अर्जुन, रणधीर, मैं यहां हूं रणधीर। और तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार। ये क्या है? केरोसिन। ये तुम्हारे और मेरे दरमियान आखिरी मुकाबला है रणधीर। मरने के लिए तैयार हो। नहीं, तुम इस सपने से बाहर नहीं निकल सकते रणधीर, क्योंकि इस बार ये सपना मेरा है। और इस सपने में अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने चाहा था। इसका अंजाम भी वही होगा जैसा मैं चाहता था। तुम्हारी मौत। सारा बदन जल गया है, लेकिन कपड़े वैसे के वैसे ही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? रणधीर साहब की चीख सुनकर मैं उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आया। क्या अंदर कोई और भी था? नहीं, कोई नहीं। मेरा मतलब डॉक्टर अर्जुन से था। क्या वो यहाँ आया था? नहीं, वो तो यहाँ नहीं आए। केरोसिन की इतनी बदबू कहां से आ रही है? बंद दरवाजे के अंदर आदमी जल कैसे सकता है? शरीर जल गया मगर कपड़े नहीं जले।